ये एक मरतबा बता दे, कभी कुलभूषण यादव का नाम लिया आपकी लीडर ने? क्या क्या आपकी लीडर आप, की स्टेटमेंट आप क्या पाकिस्तान मुखालिफ, क्या पाकिस्तान मुखालिफ आपकी लीडर की, आपकी लीडर की पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं पढ़ा गया? ऑर्डिनेंसेस जनाब स्पीकर, मैं वजूर मौसूब साहब की तवज्जो दिलाना चाहूंगा इस बात की तरफ, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं मैं उसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं, हम इनको याद दिलाते हैं। अगर लीडर अगर कोई ऐसा लफ्ज है, मैं जनाब स्पीकर, अगर कोई ऐसा लफ्ज है जनाब स्पीकर, मैं देख लूंगा, एक्सपंज भी कर दूंगा। जी माइक ऑन कर दे माइक। जनाब स्पीकर, इसको मैं अपने लीडर की बात याद कराता हूं, ये एक मरतबा बता दे, कभी कुलभूषण यादव का नाम लिया आपकी लीडर ने? क्या क्या आपकी लीडर आप, की स्टेटमेंट आप क्या पाकिस्तान मुखालिफ, क्या पाकिस्तान मुखालिफ आपकी लीडर की, आपकी लीडर की पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप नहीं पढ़ा गया? ऑर्डिनेंसेस की बात कीजिए प्लीज स्पीकर साहब, मैं दो चीजें कर रहा हूं जी। जो ऑर्डिनेंस आए वो ऑर्डिनेंस इसके पास, ऑर्डिनेंस जो आए आइटम सिरे से, वो एक ऑर्डिनेंस यहाँ मौजूद ही नहीं है। जो 7 ऑर्डिनेंस रखे गए हमारे पास, सब एक ऑर्डिनेंस मौजूद ही नहीं है, सब आपने ना आइटम पे नहीं पड़े हुए, नहीं आएंगे आपके पास भी नहीं होंगे। 7वां नंबर देख ले, नहीं पड़े हुए। सेकंड, इस इमरान खान साहब ही लेके आए इस्लामोफोबिया, और इस पे आज हमारा फंक्शन भी है। लेकिन जी, लेकिन हमें दर्श देने के लिए मैं सिर्फ इनको पॉइंट आउट कराना चाह रहा था कि इनका लीडर वही है जिसकी पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पढ़ा गया था, पाकिस्तान के मुखालिफ इंडिया में पढ़ा। थैंक यू, इनको ये याद करा रहे जी। नवीद कमर साहब डुमू।